उत्तराखंड के सुल्तानपुर पट्टी बाजपुर बहुचर्चित अस्पताल डॉक्टर हरिओम पांडे हॉस्पिटल में महिला की मृत्यु हो जाने से बवाल मच गया। विगत रात्रि देर शाम निजी अस्पताल में महिला की ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर मृतक के परिजनों को उचित कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि ग्राम सरगड़ी केलाखेड़ा निवासी अनिल मिश्रा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी भाभी शीला मिश्रा का दोपहर में पेट में गांठ का ऑपरेशन किया गया था, जिसका ऑपरेशन डॉक्टर हरिओम पांडे हॉस्पिटल के स्वामी से सुपुर्द डॉक्टर चेतन पांडे ने किया था। ऑपरेशन के बाद महिला को वार्ड में शिफ्ट किए जाने पर महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। परिवार के लोगों द्वारा इसकी जानकारी डॉक्टर व स्टाफ को दी, लेकिन कोई भी समय पर देखने के लिए नहीं आया। जब हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो एक कंपाउंडर मौके पर पहुंचा, जिसके इंजेक्शन लगाते ही कुछ समय बाद महिला की मृत्यु हो गई। मामला सर ये है कि इनके गुर्दे से नीचे एक थोड़ी छोटी गांठ थी, जिसका ऑपरेशन कराने के लिए हम यहाँ पांडे हॉस्पिटल में लाए थे। इन्होंने कल हमें आज की डेट दी थी, तो हम आज इन्हें ऑपरेशन कराने लाए। उनको 11 बजे भर्ती किया गया, 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में उनका ऑपरेशन हुआ। नॉर्मल, सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं। उसके बाद उनको 4 बजे के बाद थोड़ी तबीयत खराब होने लगी, तो बच्चा बार बार उनको बोल लिया था कंप्यूटर को कि देखिए डॉक्टर साहब को बुलाओ, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। मगर वो कंप्यूटर ने 2 घंटे तक बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं की और ना ही डॉक्टर साहब को बुलाया। उसके बाद 6 बजे उसने जब टीका लगाया है मरीज को, उसके बाद 10 मिनट बाद वो मरीज खत्म हो गया हमारा। अब हम घर से जब फिर हम लोग भी आए हैं, बच्चे उच्चे तो सारे थे, हम आए हैं तो हमें आके सांत्वना दे रहे हैं कि देखिए ऐसा हो गया, हमने देखा है, हमने कई बार जंप किया मगर वो होश में नहीं आई। तो हमने तहरीर दी है, हमारे साथ न्याय हो, हमारे जो हैं उनका सहारा कौन बनेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।